नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन आप कैसे करें और यहां दर्शन करने के बाद आप कहां कहां घूम सकते हैं। तो ये पूरी ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी की वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका बालाजी के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मेहंदीपुर बालाजी यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ राजस्थान के दौसा जिले में स्थित हनुमान जी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और श्रद्धालुओं का ऐसा विश्वास है कि यहाँ ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है और साथ ही यहाँ पर आपको कई सारे विचित्र नजारे भी देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप पहली बार देख करके डर भी जाएंगे क्योंकि विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन हर दिन दूर दराज से लोग यहाँ प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए आते हैं। दोस्तों अब बात करें आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने किस सीजन में जाएं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम माना जाता है क्योंकि सर्दियों के मौसम में आप राजस्थान के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को काफी अच्छी तरीके से घूम सकते हैं और वहीं अगर आप गर्मियों के मौसम में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो आपको यहाँ पर गर्मियों के सीजन में काफी ज्यादा गर्मी लगेगी जिसकी वजह से आप राजस्थान और दौसा के पर्यटन स्थलों पर काफी अच्छी तरीके से नहीं घूम पाएंगे। इसलिए अधिकतर टूरिस्ट यहाँ पर सर्दियों के मौसम में ही जाना पसंद करते हैं जिससे कि वे राजस्थान के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छी तरीके से घूम सके। दोस्तों अब बात करें कि आप मेहंदीपुर बालाजी कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय बस या फिर अपने निजी वाहन द्वारा भी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेहंदीपुर बालाजी ट्रेन से जा रहे तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन बांदीकुई जंक्शन है जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है और बांदीकुई जंक्शन के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली, वाराणसी, जयपुर, मथुरा, पुणे, लुधियाना और हैदराबाद आदि जैसे शहरों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट बांदीकुई जंक्शन तक पहुंच जाएंगे और इस जंक्शन से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की दूरी लगभग 34 किलोमीटर है जिससे आप बाई बस या फिर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा करके मेहंदीपुर बालाजी पहुंच सकते हैं। और अगर आप इस जंक्शन के बाहर से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 50 से 80 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए होता है। और दोस्तों यदि आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो मेहंदीपुर बालाजी का नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि देश के विभिन्न शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, वाराणसी आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से ये जुड़ा हुआ है जिससे कि आप इन शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे और इस एयरपोर्ट से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की दूरी लगभग 109 किलोमीटर है जिससे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा करके मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 120 रुपए से 150 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1600 से 2000 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप मेहंदीपुर बालाजी बस से जाना चाहते तो इस मंदिर के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और जयपुर, राजस्थान आदि जैसे शहरों से मिल जाएंगे जिससे आप इन शहरों से बस पकड़ करके आप डायरेक्ट मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप मेहंदीपुर बालाजी अपने निजी वाहन कार या बाइक से जा रहे हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि राजस्थान राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप आदि जैसी सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी जिससे कि आप रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए अपनी निजी वाहन कार या बाइक द्वारा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचने के बाद यहां कहां पे स्टे करें। वैसे तो यहां मंदिर के आसपास आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे धर्मशाला और प्राइवेट होटल मिल जाएंगे जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। अगर आप यहां पे स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 400 रुपए होता है और होटल का चार्ज लगभग 800 से 1500 रुपए होता है जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि मेहंदीपुर बालाजी में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ पर खाने के लिए आपको साधारण भोजन मिल जाएगा जहाँ पर आप स्टे किए हैं क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने से पहले आपको बिना लहसुन प्याज का भोजन करना पड़ता है लगभग 5 दिनों तक या फिर 1 हफ्ते तक। और अगर इसके साथ ही आप यहाँ पर होटल में खाना नहीं चाहते तो आपको मंदिर के आसपास और भी कई सारे प्राइवेट
आउटलेट, होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 150 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन करने से पहले नॉन वेज, लहसुन, प्याज, शराब आदि जैसे खाने वाली चीजों को खाना मना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान जी या बालाजी इन सभी चीजों को कभी नहीं खाते थे, क्योंकि ये सब चीजें तामसिक भोजन यानी कि राक्षसों द्वारा खाया जाने वाला भोजन की कैटेगरी में आता है। इसलिए अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने की योजना बना रहे तो इस जगह पर जाने से एक हफ्ते पहले इन सारी चीजों को खाने से बचें, और साथ ही कम से कम दर्शन करने के बाद 11 दिनों तक घर जाने के बाद इन्हें न खाएं। और दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी में आपको ऐसी और भी कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जिन्हें देख करके आपको कुछ अजीब सा लग सकता है, क्योंकि इस मंदिर में जाने पर आपको कुछ लोगों को चिल्लाते हुए, खुद को चोट पहुंचाते हुए और जंजीरों में बंधे हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। और हाँ दोस्तों, इस मंदिर परिसर में वीडियो रिकॉर्ड करना या फिर किसी भी तरह का फोटो क्लिक करना वर्जित है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करिए, मथुरा टेकिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए। और इस मंदिर में आने वाले सभी भक्त बालाजी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाते हैं, और यहाँ दर्शन करने के बाद आप यहाँ चढ़े प्रसादों को भी न खाएं और ना ही अपने घर ले जाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ के प्रसाद को अपने घर ले जाते तो आपके साथ नकारात्मक शक्तियाँ भी आपके घर तक आ जाती हैं। और बालाजी मंदिर के दरबार में 3 देवताओं, हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की मूर्तियां हैं, जहां पर हनुमान जी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और भैरव बाबा को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और प्रेतराज सरकार के दरबार में प्रतिदिन 2 बजे कीर्तन होता है, जिससे कि यहां पर आए लोगों पर भूत प्रेत का साया भी हट जाता है। और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के ठीक सामने राम जानकी मंदिर में सुबह शाम 7 बजे बहुत ही मधुर गुण में नगाड़ा मजीरा के साथ राम जानकी जी की आरती होती है, जिसे आप सभी को जरूर देखना चाहिए। और बालाजी मंदिर के ठीक सामने राम जी का मंदिर इसलिए बनाया गया कि हर समय हनुमान जी अपने प्रभु राम जी के दर्शन कर सके। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ समाधि वाले बाबा जी के भी दर्शन कर सकते हैं। बालाजी मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित यह समाधि स्थल बालाजी मंदिर के पहले महंत गणेशपुरी महाराज की समाधि है, जहाँ पर दर्शन करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और यह समाधि स्थल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि महंत गणेशपुरी महाराज जी ने बालाजी के चमत्कारों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया था, इसलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही बालाजी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। और इसी के साथ ही साथ आप यहाँ 3 पहाड़ भी घूम सकते हैं। बालाजी मंदिर और राम सीता जी के दर्शन करने के बाद आप 3 पहाड़ मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं, जिसमें पहाड़ के ऊपर 3 पहाड़ पर अनेकों मंदिर लाइन से बने हुए, जहां पर आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और पहाड़ के रास्ते में आपको अनेकों खाने पीने की दुकानें और होटल भी देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यहां पर अधिकतर लोग ऊंट की सवारी का आनंद लेते हुए राजस्थानी पहनावे में फोटोग्राफी भी करवाते हैं। इसी के साथ ही साथ यहाँ आप हनुमान जी के मंदिर भी घूम सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की लगभग 151 फीट ऊंचाई पर बनी मूर्ति देखने को मिलती है, और इस मूर्ति के नीचे एक सुरसा नामक छोटी सी लगभग 10 मीटर की गुफा है, जिसमें अंदर प्रवेश करने पर आपको दीवारों पर अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई देखने को मिलेंगी। दोस्तों और भी ऐसी कई सारी जगह है मेहंदीपुर बालाजी में जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे चांद बावड़ी, 7 पहाड़, राधा कृष्ण मंदिर, गेट वाले बाबा मंदिर आदि जैसे मेहंदीपुर बालाजी में पर्यटन स्थल है जहां पर आप सभी घूम सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट ही काफी है, क्योंकि इन 2 दिनों में आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन और आसपास की जगहों को काफी अच्छे तरीके से घूम लेंगे। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 4,000 से 5,000 रुपए तक लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और कैसे दर्शन करेंगे, और साथ ही मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आप किस राज्य और शहर से जा रहे, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।